Subscribe now to receive new updates every day. धोनी ने किया कमाल, तीन साल बाद फिर वैसे ही दिखाया अपने बल्ले का दम। भारतीय टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ चौथे वनडे मैच में केवल 11 रनों से मैच गंवा बैठी। इस मैच में विश्व में सबसे मजबूत मानी जाने वाली भारतीय बल्लेबाजी 190 रनों के लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और 178 रनों पर रॉयल आउट हो गई। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा 60 और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने 54 रनों की पारी खेली। धोनी ने इस सीरीज में लगातार अपनी दूसरा अर्धशतक बनाया है। ये दोनों बल्लेबाज भारत को जीत के मुकाम तक तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन टीम इंडिया के मध्यक्रम के अहम बल्लेबाज धोनी ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। धोनी ने करीब 3.5 साल बाद वनडे मैचों में 2 लगातार अर्धशतक बनाए। इससे पहले तीसरे वनडे मैच में भी धोनी ने नाबाद 78 रन बनाए थे। भारत ने वे मैच 93 रनों से जीता था। वैसे पिछली बार धोनी ने जनवरी 2014 में आखिरी बार लगातार 2 वनडे मैचों में अर्धशतक बनाए थे। तब धोनी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में 50 और हेमिल्टन ने 79 रनों की नाबाद पारी खेली थी। उसके बाद से खेले गए 53 वनडे मैचों में धोनी ने 42-77 की औसत से एक शतक की मदद से 1497 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 11 अर्धशतक लगाए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से धोनी और युवराज की फॉर्म को लेकर क्रिकेट आलोचकों ने उन्हें अपने निशाने पर रखा है। धोनी तो पिछले 2 मैचों से अच्छा खेल दिखा रहे हैं। चौथे मैच में युवराज की जगह दिनेश कार्तिक को मौका दिया गया था। Thank for watching. Subscribe now to receive new updates every day. And don't forget to drop a like, leave a comment.